कामयाबी मिली तो ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि हम मैंने और मेरे हस्बैंड ने कितना स्ट्रगल किया है। कंप्लीट हो जाएगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हो आप सभी? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हमारे चैलेंज को 30 दिन हो गए हैं पूरे, मतलब ये वाला व्लॉग कल आएगा। एक महीना हो गया और सच में मुझे पता भी नहीं चला एक महीना कब हो गया। सीरियसली बता रही हूँ, मैं सोचती थी पता नहीं कैसे होगा यार, सब लोग तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने बीच में भी वो शुरू करते हैं और बीच में टूट जाता है, पर अभी तक तो एक महीना तो अच्छे से निकल गया। फिर डेढ़ महीना और निकालना है और देखते हैं डेढ़ महीने बाद क्या रिजल्ट आएगा मेरा। अभी रिजल्ट तो एक महीने में काफ़ी अच्छा मिल गया, ठीक है। सो गाइस क्या कहना चाहोगे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। अरे कुछ तो कहने वाले थे अभी, कुछ तो कहने वाले थे आप। आपकी मेहनत के आगे नतमस्तक हो जाता हूँ सुबह सुबह। ऑपरेशन होने के बावजूद 1600 मीटर ऐसा मारे, मुझे पता एक बार को फील क्या हुआ कि अगर तुम दिल्ली पुलिस का फिजिकल दो तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे उसमें रेस में, क्योंकि उसी हिसाब से हाँ हाइट वाइट तो कम है लेकिन मैंने देखा है लड़कियों पर रेस नहीं लगती। और जिस हिसाब से तुम तैयारी कर ये कर रही हो ना, तुम आराम से रेस कम्प्लीट कर लोगे। तुम आज तो मैंने बहुत फास्ट लगाई और ओके, मतलब और दिन के मुकाबले है ना, शुरू में तो मुझे पकड़ना बहुत अच्छा है। निकला ये एक महीना और टच छोड़ के आगे भी ऐसे ही निकल जाए और मैं इस चैलेंज को पूरा कर लूँ और जो जो मुझे चाहिए वो मुझे हासिल हो जाए, ठीक है। चले फिर घर, होगा ना? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। हमारी मेहनत के सामने तो भगवान भी क्या देगा, ले वजन कम कर दे। चलो गाइस हम जाते हैं अपने घर क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। सो गाइस गैंग देख रहे हो, कितना क्यूट है। इधर हो जाओ, इधर फट रहा हूँ। चलो गाइस चल जा चुके हैं और यहाँ पे मेरे प्याज और लहसुन का और यहाँ पे मेरे आलू भी हो गए हैं, चटनी भी बना दी मैंने। बस अब रोटे मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी, बस मैं सोची थी कि आलू की रोटी बना देती हूँ, गर्मी हो रही है ना तो के लिए सूप बन रहा है टमाटो सूप। चलो गाइस फिर बना लेते हैं अपने फटाफट से, इसमें बना लेते हैं रोटी बना रही, बहुत टेस्टी लगती है, चटनी भी है साथ में, जैसा फटाफट बन जाए फिर उसके बाद में हाँ और काम करूँगी। सो गाइज़ अभी मैं नीचे हूँ और चाय वाय बना के लाई हूँ और मैं मीकू के साथ खेली खेली कर रही हूँ। मतलब मेरे से इतना खुश रहता है गाइज़, इतना खुश रहता ना ये मेरे से, उस जिस दिन मेरे मतलब आया था उसी दिन मेरे पे आना शुरू कर दिया था, किसी पे नहीं जा रहा था और अभी भी प्यार भी सिर्फ मुझे ही करता है। आओ कौवा, कौवा मेरे बच्चे को, आ जाओ आ जाओ। देखो नीचे मम्मी मिक्कू को घुमा रही है अभी,
सो गाइस कैसे हो आप सभी। अभी मैं ऊपर आ गई हूँ बस निकू के साथ खेल के, और अभी मेरी पूजा भी हो गई है। हाँ जी ठीक है। फिर अभी मैं बस अभी मैं अपना तरबूज खा रही हूँ, और उसके बाद क्या आज बन रहा है खाने में, आज बन रहा है पालक पनीर। तो फिर मैं उसकी तैयारी करूँगी और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। सीरियसली अगर आप मेरी तरीके से पालक पनीर बनाओगे ना, लिटरली बता रही हूँ, आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे सच में। शुरू करते हैं फिर फटाफट से अपना डिनर कंप्लीट करके। डिनर में आज एक और कुछ खाने का मन नहीं है सच में। बाकी मेरी दही भी रखी हुई है बट मेरा मन ही नहीं है, उसे ही खाऊंगी आज। देखो ये मेरे होंगे ठीक है, मैं टमाटर काटूंगी, ये घूमते रहेंगे तब तक ठीक है। वही यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया, मेरी प्याज बन गई है। मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा ऑयल नहीं सॉरी घी, देसी घी लिया मैंने, और ये मैं डाल दूँगी इसमें पनीर। पालक मिक्स कर दिया है, और अब हमें इसे तब तक पकाना है। अभी देखो इसका कलर हरा है ना बिल्कुल, और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, और ये इसका देखना आप कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। उससे पहले बिल्कुल कोई पनीर ऐड नहीं करना। अब हम इसे ढक के आराम से पकने देंगे ठीक है, और तब देखना तुम। हम इसको ढक देंगे इससे ठीक है, और अब इसको अच्छे से पकने देंगे। इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको कैसा कलर चेंज होता है इसका। गाइस देखो अब मैं इसको हटाने वाली हूँ, बीच बीच में आप चलाते रहना ताकि लगे ना ये, क्योंकि लग जाता है कभी। ये देखो पहले कैसा कलर था और अब बता दो कैसा कलर है, चेंज हो गया भैया जाता अभी हाथ मेरा जाता, चेंज हो गया नहीं कलर अभी। अभी तो इसमें देखो अब हमारा ये पक चुकी है बहुत अच्छे से, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। बेचारे का मूलिया जो पकना था इसका ठीक है, और इसको बंद कर देंगे और इसको इंजॉय करेंगे रोटी। तो अभी तो सब लोग काम कर रहे हैं, मैं तो सब खाना बनाऊँगी है ना। गाइस मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, देखो हमने भैंसों के लिए फुहारा लगाया है। देख रहे हो बिल्कुल देखो हम लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं अभी पैसे तो खर्च हुआ है पर पैसों के मजा आ गया है। एक काम करो तीन सौ दे दो, तय में लगा दो भगवान मत करो, तीन सौ दे दो नहीं देख रहे हो पैसे घुपे हो भैया। मिलते हैं गाइस, मजा आ गया सच में फुहारे में।
उसे और बता दे बस टाइम है। हाय हाय मैं भी खुली हो जाती हूं। हां 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 क्या बात है ना ठंडा भाई साहब मजा आ गया। अब भैंसों को घर में लेके भाई आज मैं हां सीधा तुम का आराम मेरे साथ। कुछ डाल लो गाइस खाना और सबका हो गया और अभी मैं मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैंने दवाई भी ले ली फिर भी बंद नहीं हो रहा। मैं थोड़ी सी मालिश करा रही थी इनसे और क्या डाला है ये कौन सा तेल है नवरत्न तेल से कि मेरा थोड़ा सर में आराम लग जाए। पता नहीं क्यों हो रहा है गर्मी से हो रहा है कैसे हो रहा है। पर वही यार आदत नहीं रहती ना अब खाते नहीं है क्या ना मैं शाम को तो बिल्कुल ही नहीं खाती। अब कम थोड़ा बहुत तो यार देखो कुछ ना कुछ तो भुगतान करना ही पड़ता है ना जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वो वाली बात है। अरे यार 5 बजे खा लो मत खाओ। नहीं मैं खाती हूँ बेटा बस मैं खाना नहीं खाती मैं चने वगैरह चाट ले लेती हूँ ये सारी चीज़ें। कई दिन से मैं चने भी नहीं खा रही थी। दिन भर में एक या दो रोटी खा रही हूँ सारी। नहीं एक ही खाती हूँ बस आज भी एक ही खाई थी लंच में। एक रोटी का कोई ज्यादा एक रोटी 3 साल का बल खा जाए। सच में मेरी मैं बोल भी रही ना तो भी यहाँ दिलक लग रही है सर मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं बोल कुछ कमजोरी कहते हैं इसको। अब मैं अपने चने वगैरह भिगोना है कल खाऊंगी। दिन में सोती थोड़ी बहुत देर दिन में ही सो पाती हूँ यार रात को तो वही एडिटिंग वगैरह में टाइम लग जाता है फिर कितने नींद आवे 2 बजे इन बालों में रगड़ दूं सब एक्स्ट्रा के बाद तेल को आपको ये व्लॉग पसंद आए गाइस हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड नाइट बाय कर तो बाय। यार कुछ अच्छा भी नहीं ला पा रहे हम तो अपने भाइयों और बहनों के लिए क्या करें यार समय का और कुछ दिन पता नहीं यार कम स्टार्ट होता है बात कम हो जाती है पता नहीं कब कामयाबी मिलेगी। उस टाइम की बात है फिर अच्छे अच्छे लोग आएंगे अगर कामयाब हुए ना तो जरूर आपको अपनी स्टोरी बताएंगे। अगर कामयाबी मिली तो जरूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि हम मैंने और मेरे हस्बैंड ने कितना स्ट्रगल किया है। नहीं हुए तो मन में ही रख लेंगे ये तो यार लाइफ का पार्ट है क्या स्ट्रगल हर कोई करता है। अभी आप थोड़ा बहुत तो हर कोई करता है यार जीवन है हमारे साथ थोड़ा बहुत थोड़ी है हमारे साथ तो बहुत नई नई चीजें हैं बस भाई ऐसे करो जैसे मैं करती हूँ।